हाँ, लोटम पानी लाओ। लोटम पानी चला दी अर्जुन सिंह। और कुछ? अब हाँ, नीमो को जोरा वाला। नीमो को जोरो जी, रखो कन्हैया। अब का बचो? अब तो कुछ ना। हाँ, हल्दी और चावल वाला जी रखे। और बता, और का बचो? कुछ ना बचो। लेकिन एक एक बात सुन, पता को नहीं है। हमें जो मंत्र पढ़त देखते हुए आग अंधे अंधे हो जाते हैं, कारण ते बेरे जाते हैं। हाँ, अलग अटो दोनों बे ना है जे दोनों ऐसे ठाड़े करते नो मालूम पर क्राइब ठाड़े करते दोनों इन्हें लगा। मंत्र पढ़ो भगवान ने, अरे काली काली दे दे प्याली प्याली चढ़ाऊं दो ये भीड़ा हड़ा उड़ दिया गजी लगा टूटने में होए काले ने खायो कालो ये जा रे मैं ना जानूं उठे के बैठो विशियर मेरे काय गुनाए। भगवान बोले राधा राधा एकदम से उठी भगवान का लेके धरी रोका है खून की प्यासी को। ठीक हो तुम ही जानो, दर्द तो ना है तुम ही जानो। भगवान बोले इतनी बड़ी नौटंकी करवे का जरूरत है थी। राधा बोली कृष्ण मैंने आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो मन में विचार किया किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले प्यारी हम रहें या चले जाएं लेकिन मेरे हृदय से मेरे दिल से तेरे लिए भक्ति कभी कम नहीं होगी। वरदान दिया और भगवान चले गए हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित एक दिन सखियां भगवान श्याम सुंदर से बोले हैं मोहन मेरे साथ में आप महाराज कब करोगे? तो भगवान बोले समय आने दो। समय आने दो। एक दिन वो समय आ गया, भगवान ने योग माया को इशारा दिया। कैसी सखियां ऐसे भागी किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में किसी के दांतन में सुरमाल लिपस्टिक में सुरमा लगा रही सो एक हाथ में सुरमा दानी एक आंख में सुरमा बुई भाग परी लेके कोई सासु के पांव दबा रही सो पांव खींचन लगी कोई पति को खाना देवे को जा रही सो पति को खाना गैया के पास में गैया को भूसा पति के पास ऐसी मुरलिया के तोने। और सखी जब पहुंची बुजुर्गो याद रखना जब भगवान के निकट सखियां पहुंची तो
तो भगवान ने एक प्रश्न करो कि अपने अपने पति को छोड़ के रात्रि में क्या लेने आई हो? अपने अपने पति को छोड़ के रात में क्या लेने आई हो? तो सखियों ने एक प्रश्न किया, भगवान एक पतिव्रता औरत, एक पतिव्रता औरत उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी के पति की प्रतिमा बना करके उसकी पूजा करे, और जब वो पूजा कर रही है उस मिट्टी के पति की, उसका असली पति विदेश से आ जाए, तो महाराज वो नकली पति की पूजा करती रहे या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? वो नकली पति की पूजा करती रहे या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? तो भगवान बोलेगा बाबा नहीं हो। बोले क्यों? बोले अगर जब असली आ गया तो नकली की जरूरत क्या है? भगवान बोले प्रभु आप एक दुनिया के पिता पुत्र और पति असली हो, आपके सामने सब दुनिया के पति और पुत्र नकली हो, जो आप खुद आ गए तो मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है। भगवान से बोली है शांति में महाराज करो, और महाराज करने लगे। इधर